वैसे तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में कई विपक्षी दल के दिग्गज नेता गैर हाजिर रहे, लेकिन एसपी मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी सबको अखर गई। कई मौकों पर दोनों एक दूसरे को अच्छे दोस्त भी करार दे चुके हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि राहुल की इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं पहुंचे दोस्त अखिलेश? क्या एसपी को अब कांग्रेस का साथ पसंद नहीं है? दरअसल राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी के लिए कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को न्योता दिया था, बावजूद इसके विपक्ष के किसी बड़े नेता ने पार्टी में आना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे नेताओं की फहरिस्त में अखिलेश यादव भी हैं। हालांकि इस पार्टी में मायावती तो नहीं आई, लेकिन उनका नुमाइंदा मौजूद रहा, मगर एसपी का तो कोई भी नेता इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचा। उधर माया और अखिलेश के राहुल गांधी की इफ्तार पार्टी में नहीं आने के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी और कांग्रेस ने बीएसपी के खिलाफ गठबंधन किया था। इस चुनाव में सत्तारूढ़ एसपी 403 में से महज 48 और कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई। बावजूद इसके एसपी और कांग्रेस बार बार कहती रही कि हम आगे के चुनाव में साथ रहेंगे, लेकिन सूबे में सियासी समीकरण बदले। एसपी ने बीएसपी से गठबंधन किया और ये प्रयोग सफल रहा। गोरखपुर और फूलपुर में एसपी बीएसपी गठबंधन ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं ठहरी। इसके बाद कैराना और नूरपुर उपचुनाव में एसपी बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ। कांग्रेस ने मजबूरी में दोनों सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों का समर्थन किया। इतना ही नहीं, अखिलेश राहुल के पीएम उम्मीदवारी वाले बयान को भी एक तरह से खारिज कर चुके हैं। अखिलेश साफ कर चुके हैं कि पीएम पर फैसला चुनाव के बाद होगा। हालांकि कर्नाटक में कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरह से विपक्षी एकजुटता देखने को मिली थी, उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यही फ्रेम लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इफ्तार पार्टी से एसपी की दूरी गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल खड़े करते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।